सबका दोस्त फिजर अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज सबके सामने आने की वजह है इंडिया का बल्कि पूरी दुनिया का सब में घटिया जलील और बेकार इंसान शहजाद पूनावाला जो है ने एक वीडियो बनाया और बना के ये बोल रहा कि एक हिंदू लीगल एक ऑर्गेनाइजेशन बनी अब डायरेक्ट एक्शन लिए हुए ऐसे बात कर रहा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कई दिनों से जब से कांग्रेस पार्टी की 99 सीटें आई है वो और उसका इकोसिस्टम उसकी जमात लगातार राष्ट्रवादियों को पत्रकारों को हिंदुओं को निशाने पर ले रहे हैं। फर्जी मुकदमे डालना, फर्जी FIR करना, विद्वेषपूर्ण कार्रवाई करना, डराना धमकाना ये इनके चरित्र और इमरजेंसी मानसिकता का हिस्सा तो है, परंतु आप लोगों के बीच से लगातार फीडबैक आ रहा था कि इसका जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव होना चाहिए और मुझे बड़ा गर्व है कि आज ऐसा एक इनिशिएटिव कुछ हिंदुओं ने, कुछ राष्ट्रवादियों ने, कुछ युवाओं ने तैयार कर दिया है। उसका नाम है लीगल हिंदू डिफेंस। इस पूरे वॉलंटियर ग्रुप का मकसद ये है कि अब याचना नहीं रण होगा। एक बात पहले सब में पहले मैं हमारे हिंदू भाइयों को बोल रहा हूँ, देखिए इसका भरोसा बिल्कुल मत करिए। ये घटिया जलील इंसान है। इसकी आसान मिसाल है, ने पैसे के लिए अपना जमीर बेचा, धर्म बेचा, हर चीज इस दिया, ये इससे आपको साफ पता चल जाता। तो ये इसकी बात का कोई ट्रस्ट मत कीजिए, इन्हें भरोसे के लायक नहीं है बिल्कुल। क्योंकि ये कैसी आदमी की, ये कैसी कैटेगरी का है बोले तो, ये पैसों के लिए कुछ भी छोड़ सकता, जमीर छोड़ सकता, धर्म छोड़ सकता, भाऊ बेटी माँ बहन कोई भी चीज को छोड़ सकता है, वैसे टाइप का इंसान है इन्हें। इसकी गिनती इंसानों में होती नहीं बोले जैसा है, इंसान क्या जानवर में भी नहीं होती है। तो ये तो घटिया से घटिया इंसान है, शैतान है इन्हें, समझ रहे ना। तो इसके बात का भरोसा मत करिए। लेकिन मैं इसका जब वीडियो देखा तो मेरे को बहुत गुस्सा आया। आप सबको तो मालूम है कि मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम के बाद मेरे अंदर का हैदराबाद का जागा, तो इसका जवाब मैं हैदराबाद के उसमें ही दूंगा, मैं हैदराबादी तरीके में ही दूंगा और हैदराबाद का इंसान ही इसका जवाब दूंगा, समझो। तो खिजर अहमद का जवाब सुन ले तू, ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बना, डायरेक्ट एक्शन लेता है, ये बोल के, ये सब बोल के क्या तू डराना चाह रहा है इन लोगों को? हाँ बेओ सुन ले, ये तेरी ये बातों से ना कोई सच्चा हिंदू डरेगा और ना कोई मुसलमान। ये सबको मालूम है तेरे जैसे चूहे के जो है बात झूठे रहते, ये सब तेरी बातों का अमल सिर्फ कोई अंधभक्त यकीन करेंगे हिंदू खतरे में है शायद बोल के उन लोग, या फिर अनपढ़ जाहिल लोग ये भरोसा करेंगे हो सकता है हिंदू खतरे में बोल के, बाकी सब तेरे जैसी ये बातों का वो नहीं करते। तेरे में तो कोई मर्दानगी है नहीं, तू है नामर्द पहले से, और इसमें कोई शक नहीं, तो अंग्रेज की छठी औलाद है और किसी की जरूर नाजायज औलाद है। क्योंकि उसकी वजह क्या है, तेरे में मुसलमान की कोई क्वालिटी थी नहीं, अच्छा हुआ तू मुसलमान धर्म छोड़ दिया, समझ रहे, मुसलमान की कोई धर्म की क्वालिटी तो तेरे में थी नहीं, तू है अंग्रेज की औलाद किसी की यार। और ये बातें बोल के डराने की जरूरत नहीं, तेरे जैसे 100 चूहे आए गए, समझ रहा, तू असल सही बोले तो इसके लिए जल्द से जल्द कुछ कानूनी एक्शन लेना चाहिए। और इसको क्या है मालूम, एक बड़ा देशद्रोही है और एक टेररिस्ट है, इसको सीधा सीधा सबके सामने लाके फांसी की सजा दे देना चाहिए। फांसी की सजा भी इसके लिए कम है, ताकि कोई दूसरा इस तरीके के धर्म के नामों पे आतंक नहीं फैला सके। ये जलील घटिया इंसान है, ये पैसों के लिए कुछ भी बेच सकता और ये पैसों के लिए ये हरकत कर रहा है इन्हें। और एक मेरे देश के जितने भी मेरे बहना भाइया हैं मेरे देश के, उन लोगों को ज्यादा सबर करने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन में इसका क्या होगा देखो, कुत्ते के जैसा हाल होगा इसका, समझ रहे ना। ये क्या है, अच्छाई परेशानी में भी रहे तो लंबे टाइम तक चलती, और उसके जब उसका एंड आता, एंड आने के बाद बहुत बड़ी एक इज्जत रहती। मगर बुराई क्या है, कितनी भी खुशी में रहो थोड़े टाइम का ही रास्ता रहता उसका, वो जल्दी खत्म होता और उसके बाद फूल तो नहीं चप्पलों का स्वागत होता उसका, जिंदगी भर गालियां चप्पलां जूते खाने का उसका टाइम रहता। वैसे कई शैतान आए गए, तो ये खुद जल्दी बर्बाद होने वाला है, खत्म होने वाला है, समझ गए। ये इसका जो है भरोसा नको करो। मैं ये खास करके वीडियो बनाने की मतलब है मेरे हिंदू भाइयां और मेरे इंडिया के पूरे जितने भी लोग हैं, ऐसे जलील के बातों का भरोसा मत करिए, समझ रहे ना। ये कहीं चूहे की बिल में बैठ के बोलता है, इन्हें इसका नहीं औकात ही नहीं है आके बोल सके जैसा,
समझ रहे, कहीं तो भी एक अपने ऑफिस में कहीं कहाँ है वो ऑफिस भी नहीं मालूम, कहाँ पे तो भी चूहे की बिल के जैसा बैठ के बोलता सो अल्लाह है। ये एक झूठा इंसान है, इसके बातों का भरोसा मत करिए और परेशान मत होइए, वैसा कुछ नहीं है, सब अच्छा चल रहा। ठीक है दोस्तों, मेरे को यही बोलना था आप सबको, मेरे सारे हिंदू बहना भाइयों और मेरे इंडिया के हर लोगों के लिए यही मैं बोलना चाह रहा था। राइट, आदाब।